इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में ऐसा कई बार देखने को मिला है कि फ्रेंचाइजी द्वारा रिटेन की गए प्लेयर्स अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं, और जैसा कि इस सीजन भी देखने को मिल रहा है। वहीं ये सामने भी आ रहा है कि आईपीएल 2021 के बाद जिन प्लेयर्स को फ्रेंचाइजी द्वारा रिलीज कर दिया गया था, वो आईपीएल 2022 में बेहतरीन लय में नजर आ रहे हैं, और वो खास तौर पर जिनके द्वारा रिलीज किया गया है उसी फ्रेंचाइजी के खिलाफ धमाकेदार प्रदर्शन करके अपनी टीम को मैच जिता देते हैं। तो कहीं न कहीं ये जो खिलाड़ी जिस टीम के लिए खेलते थे अब उन्हीं के खिलाफ कार्य कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको उन 5 खिलाड़ियों के बारे में बताने वाले जो आईपीएल 2022 के अंदर रिलीज होने के बावजूद भी दूसरी फ्रेंचाइजी के लिए बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए जानते हैं इसे कास्ट रिपोर्ट में। वीडियो में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे सब कुछ, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी हैं आईपीएल के फैन तो वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाएं ताकि क्रिकेट जगत की तमाम बड़ी अपडेट आप तक पहुंचती रहे। खैर, वीडियो में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे सब कुछ, लेकिन इस बार का आईपीएल पूरी तरह से अलग थलग नजर आ रहा है। ये अलग थलग इसीलिए भी है क्योंकि इस बार का आईपीएल पॉइंट टेबल के लिहाज से बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है, जहां मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स की शुरुआत तो बहुत ही खराब है, पॉइंट टेबल में वो सबसे नीचे नजर आते हैं। तो वहीं पर दो नई टीमें और बाकी अन्य टीमें जो हमेशा पॉइंट टेबल में नीचे रहती है वो टॉप फोर में शामिल है, इसीलिए इस बार का आईपीएल बहुत ही अलग है। और इस बार की गलती तो यही की है ना कि इन खिलाड़ियों को आपने रिलीज कर दिया है और यही खिलाड़ी अब दूसरी फ्रेंचाइजी से खेलते हुए आपके खिलाफ धमाकेदार प्रदर्शन कर रहे हैं। टॉप 5 की लिस्ट आइए एक एक करके जानते हैं उन 5 खिलाड़ियों के बारे में। हमारी इस लिस्ट में 5वें पायदान पर नाम युजवेंद्र चहल का आता है। युजवेंद्र चहल रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं और वह निरंतर बेहतरीन फॉर्म में गेंदबाजी करते रहे हैं। हालांकि 2022 की मेगा नीलामी से पहले उन्हें आरसीबी द्वारा रिलीज कर दिया गया था। इंडियन प्रीमियर लीग के पिछले संस्करण में यूजी चहल ने 18 विकेट हासिल किए थे। हालांकि सीजन वो राजस्थान रॉयल का हिस्सा है जहां शुरुआती 5 मैचों में ही 12 विकेट प्राप्त कर चुके हैं। इस दौरान उनकी इकोनॉमी 6.80 की बेहद शानदार है। यदि सीजन चहल को आरसीबी द्वारा रिटेन किया गया होता तो निश्चित तौर पर फ्रेंचाइजी के लिए बहुत बड़ा फैसला होता, लेकिन अब चहल दूसरी टीम के लिए अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं बात करते हैं हमारे इस लिस्ट में टॉप 4 में शुभमन गिल का नाम भी आता है। शुभमन गिल भी रिलीज किए गए खिलाड़ियों में से एक हैं, जो आईपीएल 2022 में दूसरी टीम के लिए अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। कोलकाता ने आश्चर्यजनक तरीके से वेंकटेश अय्यर को रिटेन करते हुए शुभमन गिल को रिलीज कर दिया था। शुभमन केकेआर के लिए लगातार बेहतरीन प्रदर्शन करते आ रहे थे। हालांकि अब गिल अपनी नई टीम के लिए रेड हॉट फॉर्म में हैं, वह अच्छी स्ट्राइक रेट से स्कोर कर रहे हैं और अपने पहले ही टीम के 2 मैचों को जिताने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दूसरी ओर केकेआर अपनी ओपनिंग पार्टनरशिप से जूझ रही है। वेंकटेश अय्यर भी लय में नजर नहीं आ रहे हैं और अजिंक्य रहाणे आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, इसलिए केकेआर अपने पूर्व ओपनर को मिस कर रही होगी, उन्हें रिलीज करने की गलती को कोस रही होगी। लिस्ट में 3रे पायदान पर नाम सिमरन हिटमायर का आता है। सिमरन हिटमायर को दिल्ली कैपिटल द्वारा रिलीज किया जाना अधिक आश्चर्यजनक तो नहीं था, हालांकि फिर भी दिल्ली यदि चाहती तो हिटमायर को रिटेन किया जा सकता था। बहरहाल अब तक आईपीएल में हिटमायर ने राजस्थान रॉयल के लिए अच्छी फिनिशर की भूमिका निभाई है। हिटमैर निचले क्रम में आकर बल्लेबाजी कर रहे हैं और मैदान पर मैच पर शानदार प्रदर्शन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर दिल्ली कैपिटल के लिए रोमन पॉवेल का बल्ला न चल पाना भी समस्या का सबब बना हुआ है। हिटमैर के आंकड़ों पर नजर डाले तो 5 मैचों में 177 के स्ट्राइक रेट से 197 रन बनाए हैं। हमारे इस लिस्ट में 2रे पायदान पर नाम दिनेश कार्तिक का आता है। शायद ही किसी को यकीन हो रहा हो कि आईपीएल 2022 में दिनेश कार्तिक के लिए इतना बेहतरीन रहने वाला है। वास्तव में इस आईपीएल डी के बेहतरीन फॉर्म में नजर आ रहे हैं। खास तौर पर उन्हें जिस तरह से अपना स्वाभाविक खेल दिखाया उसने हर किसी को प्रभावित किया है। कोलकाता नाइट राइडर के पूर्व कप्तान दिनेश कार्तिक ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए मैच जिताऊ पारियां भी खेली है। दूसरी ओर कोलकाता नाइट राइडर निश्चित रूप से दिनेश कार्तिक को मिस कर रही होंगी क्योंकि उनके विकेट कीपर सैम बिलिंग्स के लिए सीजन औसत ही रहा है। कार्तिक ने इस सीजन अब तक कुल 5 मैच खेले हैं जिसमें 218 के शानदार स्ट्राइक रेट से 131 रन बनाए और जिस तरह से मैच को फिनिश कर रहे हैं वो हैरान करने वाला है। और इस लिस्ट में पहले पायदान पर नाम हार्दिक पांड्या का आता है। हार्दिक पांड्या बीते कई सीजन तक मुंबई इंडियंस का हिस्सा थे। हालांकि आईपीएल 2022 की मेगा नीलामी से पहले उन्हें मुंबई ने रिलीज कर दिया था और वो गुजरात टाइटंस में शामिल हो गए थे। एक और जहां मुंबई इंडियंस आईपीएल में अब तक लगातार 5 मैच हार चुकी है, वहीं गुजरात टाइटंस पॉइंट्स टेबल में टॉप में है।
इस बात में कोई दो राय नहीं है कि हार्दिक के लिए आईपीएल 2021 कुछ खास नहीं था, लेकिन फिर भी मुंबई द्वारा उन्हें रिलीज किया जाना फैसला तो बिल्कुल सही नहीं था। हार्दिक इस बार गुजरात की कप्तानी में भी सभी को प्रभावित कर रहे हैं और अपनी टीम इंडिया में वापसी के संकेत दे रहे हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।